नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इन दिनों बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और इन्हीं में से एक है प्रभु देवा के डायरेक्शन में बन रही सलमान खान की आने वाली फिल्म दबंग 3। अपनी फिल्म भारत की शूटिंग पूरी कर सलमान ने तुरंत अगली फिल्म यानी दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी। बता दें, जब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है ये किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। तो वहीं अब खबर है कि दबंग 3 को लेकर सलमान और अरबाज के बीच तकरार शुरू हो गई है और इस तकरार के पीछे की वजह भी बड़ी रोमांचक है। दोनों भाइयों के बीच इस खटपट की वजह है दो एक्ट्रेसेस, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग भी बीच में ही अटक गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो अदाकाराएं जो इन भाइयों के बीच तकरार की वजह बन गई है। दरअसल मेकर्स इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग डालना चाहते हैं और स्पेशल गाने के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं, जिसके साथ जल्द ही शूटिंग शुरू होगी। खबरों की माने तो अरबाज खान और डायरेक्टर प्रभु देवा को लगता है कि दबंग 3 के स्पेशल गाने में सनी लियोनी एकदम फिट बैठेंगी। तो वहीं सलमान खान इस गाने के लिए मौनी रॉय को लेना चाहते हैं और इसी वजह से मेकर्स मौनी रॉय और सनी लियोनी के बीच फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इससे पहले दबंग फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म यानी दबंग में मलाइका अरोड़ा ने मुन्नी बदनाम डांस नंबर किया था। वहीं दबंग 2 में करीना कपूर का फेविकोल खूब पसंद किया गया था। वहीं अब तीसरी फिल्म में ये आइटम सॉन्ग कौन करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बता दें, इससे पहले भी सलमान की इस फिल्म को विवादों का सामना करना पड़ चुका है। हाल ही में महेश्वर में शूटिंग के दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें शिवलिंग पर तख्त रखा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद लोगों ने इस फिल्म का काफी विरोध किया और मामला इतना बढ़ गया कि सलमान को खुद इस पर सफाई देने सामने आना पड़ा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।